आखिरकार क्या हुआ पवन सिंह और प्रियंका सिंह का एक साथ गाना क्यों नहीं आता है। नमस्कार दोस्तों, मैं धनंजय कुमार, इसी के बारे में हम बातचीत करने वाले हैं इस वीडियो में। तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहें और जो लोग मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो लोग कर लें, क्योंकि हमारे चैनल पर भोजपुरी का हर खबर सबसे पहले आता है। तो दोस्तों, एक समय था पवन सिंह और प्रियंका सिंह का, जो कि पवन सिंह और प्रियंका सिंह का भक्ति गाना आता था मार्केट में तो पूरी तरह से बवाल और धमाल मचा के रख देता था। और लोगों को पवन सिंह और प्रियंका सिंह का गाना खूब ज्यादा पसंद आता था, क्योंकि इन दोनों का आवाज जो था बिल्कुल मैच खाता था। और इन दोनों की जोड़ियां बहुत सारा रिकॉर्ड भी बनाया है। लेकिन अचानक से पता न क्या हो गया है, पवन सिंह और प्रियंका सिंह की आवाज में एक भी गाना नहीं आता है 2-3 साल से। मूवी में एक दो गाना आ जाता है, क्योंकि वो अलग अलग टाइम पे डबिंग हो जाता है, इसी वजह से मूवी में गाना आ जाता है। लेकिन अलग से पवन सिंह और प्रियंका सिंह की आवाज में गाना नहीं आता है, ना तो एल्बम गाना आता है, ना तो भक्ति गाना आता है। हालांकि इन दोनों के बीच में क्या प्रॉब्लम है ये तो मुझे पता नहीं, हो सकता है कुछ प्रॉब्लम होगा इसी वजह से इन दोनों का गाना एक साथ नहीं आता है। लेकिन पवन सिंह के फैंस लोग चाहते हैं कि पवन सिंह और प्रियंका सिंह के आवाज में गाना आना चाहिए, क्योंकि ये जोड़ी सुपर हिट जोड़ी मानी जाती है और दोनों लोगों का मधुर आवाज है। और देखिए आने वाला फ्यूचर में पवन सिंह और प्रियंका सिंह के आवाज में गाना आता है या नहीं आता है। बाकी आप सभी को क्या लग रहा है कि आने वाला फ्यूचर में पवन सिंह और प्रियंका सिंह के आवाज में गाना आएगा या नहीं आएगा, हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और कितने लोग चाहते हैं कि पवन सिंह और प्रियंका सिंह की आवाज में गाना आना चाहिए, ये भी हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया तो ज्यादा लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।